नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। ग्वाल बाबा मेले की तैयारी को लेकर सर्व समाज द्वारा शांति समिति की हुई जगनेर थाने पर बैठक। आगरा जगनेर जिले के कस्बा जगनेर में स्थित प्राचीन मंदिर बाबा ग्वाल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि एक किला भी है। ग्वाल बाबा मंदिर पर सितंबर के महीने में हर साल बड़ा मेला लगता है। हर साल की तरह इस साल भी 25 सितंबर पूर्णिमा वाले दिन से गुरु होगा, जिसकी व्यवस्था को लेकर सर्व समाज और मेला कमेटी से सुझाव लिए गए, जिसमें प्रमुख सुझाव मेला ग्राउंड पर स्वास्थ्य विभाग का कैंप रहा और 25 सितंबर से शुरू हो रहे ग्वाल बाबा के मेले के बारे में जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक श्री मणिकांत शर्मा ने बताया, मेले में एक अतिरिक्त मेला पुलिस चौकी का निर्माण हो और अलग से ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था जाएगी। मेले में देखभाल करने के लिए पुलिस बल के साथ PSC भी तैनात की जाएगी। इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष राजेश राणा व राम कुमार उपाध्याय, मुखिया योगेश उपाध्याय, ब्रह्मदेव पाठक, मुकेश परमार आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज ये मेला कमेटी की जो शांति समिति की जो बैठक हुई थी, मेले के संबंधित, उसके बारे में जानकारी दी, क्या हुआ? आज थाना जगनेर दिनांक 24/9/2018 को कस्बा जगनेर में ग्वाल बाबा का मेला प्रारंभ होना है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु शांति कमेटी एवं मेला कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें मीटिंग समिति द्वारा पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुझाव दिए गए तथा पुलिस द्वारा समस्त लोगों को सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए और सहयोग, जनता से सहयोग की अपील की। और सर, मेला कमेटी द्वारा उसको कुछ मतलब सलाह के तौर पे कुछ इस तरह की भी बातें आई हैं, क्या करना चाहिए मेले में और कैसे पुलिस का सहयोग रहेगा? और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और उस जो कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं उन पॉइंटों पर फोर्स लगाया जाएगा और यातायात की आवागमन की व्यवस्था हेतु अलग से एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहेगी और यात्रियों के लिए अलग से पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था। आगरा से सुमित सिंगल की रिपोर्ट।